उस कहानी का नाम है जादुई मछली। मगर इससे पहले मैं अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। तो ये मेरे फ्रेंड, इनका मैं नाम भी रखी हूँ। तो चलिए मैं आपको इनका नाम बताती हूँ। ये जो गोल्डन वाला, उसका नाम पिकाचू रखे है। क्योंकि ये बहुत क्यूट है और इसे कि किसी से भी मतलब नहीं है। पिका पिका बोलता रहता है, इधर उधर का घूमते रहता है, इसलिए मैं उसका नाम पिकाचू रखे। इधर घुस गया। और ये दोनों का नाम है शायद हमारा, क्योंकि दोनों साथ रहता और एक दूसरे का कॉपी करता है। और ये जो दो व्हाइट कैप है ना, उसका नाम है जीवा जाल। सबको तंग करके रहता है, ये बहुत बदमाश है, इसलिए जीवा जाल लगती है इसका नाम। ये जो दो कालू दिख रहे हैं, कहना है भूत बदरी। इतना चटपट आता है, इतना चटपट आता है कि भूत बदरी लगती है इसका नाम। ये दोनों का नाम है सिंचन और कजामा, क्योंकि दोनों दोस्त भी है, लड़ता भी है, इसलिए सिंचन और कजामा रखे हैं। तो यही है मेरे फ्रेंड्स, मैं सब कार्टून कलेक्टर्स का नाम इन पे रखती हूँ, इन में डालती हूँ। तो यही थे मेरे फ्रेंड का नाम। तो चलिए अब मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम था गजरी और पति का नाम था रामू। वो रामू मछुआरा का काम करता था। वो मछुआरा था, वो अपने मछली पकड़ के ही अपना घर का काम चलाता था। एक दिन वो मछली पकड़ के आ रहा था, तभी उसकी बीवी गजरी बोली रामू को कि मैं तुम्हें कब से कहती हूँ कि मुझे सोने का कंगन चाहिए, अभी तक नहीं लाया हूँ। तो रामू बोला कि अब मैं तो मछली पकड़ता हूँ, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि मैं तुम्हारे लिए सोने का कंगन दूँ। तो गजरी बोलती है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम नहीं दोगे मुझे सोने का कंगन तो मैं पाके चली जाऊंगी। और फिर वो गेट बंद कर लेती है अपना। तो रामू जाता है और सोचने लगता है कि मैं आज बहुत सारा मछली पकड़ूंगा और उसे बेचूंगा और पैसा कमा के अपनी पत्नी को सोने का कंगन दूंगा। रामू तालाब पर पहुंचता है और अपने जाल को पानी में डालता है। पहली बार तो मछली एक भी नहीं आई, फिर दूसरे बार डालता है, दूसरे बार भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। तो वो भगवान से प्रेयर करता है कि भगवान जी प्लीज एक मछली पकड़वा दो, नहीं तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी और अपने मायके चली जाएगी। तो फिर जब वो तीसरे बार जाल फेंकता है तो एक बहुत सुंदर सी मछली बाहर निकलती है, उसके जाल में फंस जाती है। बिल्कुल ये पिकाचू की तरह, पिकाचू की तरह बहुत सुंदर निकलती है। तो रामू खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा और मैं अपने बीवी के लिए सोने का कंगन खरीद पाऊंगा। तो मछली छटपटाने लगती है और बोलती है कि मुझे छोड़ दो, तो मुझे छोड़ दो। तो वो बोला तुम बात करती हो, मैं तो कभी नहीं देखा कोई मछली को बात करते हुए, अब तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो मछली छटपटाने लगती है और बोलती है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो करूँगी मैं। तो रामू बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी बीवी को सोने का कंगन चाहिए, अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी बीवी नाराज होकर मायके चली जाएगी। तो वो मछली बोली, ये मछली रोने लगी क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। और फिर वो बोली रोते हुए कि प्लीज मुझे छोड़ दो, जो तुम बोलोगे वो करूँगी मैं। तो मछुआरा बोला ठीक है। तो मछुआरा को तरस आने लगा उस पर, तो बोला वो उसे पानी में छोड़ दिया। तो वो मछली बोली कि मैं थैंक यू दोस्त, अब से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे टोकरी में सोने का कंगन रखा हुआ है। तो रामू खुश हो गया और खुशी खुशी घर जाने लगा। वो घर पहुंचता है और अपनी बीवी को सोने का कंगन देता है और बोलता है कि तुम्हें यही चाहिए था ना, लो मैं तुम्हारे के लिए ला दिया सोने का कंगन। तो गजरी
मम्मी बोलती है कि ये कहाँ से आया, तो रामू बोलता है कि रानू सब कहानी बताता है कि उसे कैसे जादुई मछली मिली, एकदम कहानी बताने लगता है। तो फिर मजनी बोली कि आप कितने बेवकूफ हैं, वो जादुई मछली थी, उससे आप बहुत कुछ मांग सकते थे, आप उसे छोड़ क्यों दिए, जल्दी से जाइए और उसे बोलिए कि एक सुंदर सा बड़ा सा घर मुझे दे दे, वो इस घर में तो मेरा दम घुटने लगा है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो वो रामू बहुत समझाने का कोशिश किया कि गजरी इतना लालच ठीक नहीं है, मगर गजरी गुस्से से बोली कि अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो रामू बहुत उदास होके गया और वो पुकारा मछली का, ओ मछली, ओ जादुई मछली, तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? तो जादुई मछली आई और बोली, क्या हुआ है मेरे दोस्त, अब क्या जरूरत है मेरा? तो रामू बोला कि मेरी गजरी पत्नी को एक बड़ा घर चाहिए, उसे हमारा घर बहुत छोटा है ना इसलिए। तो वो मछली बोली, सिर्फ इतनी सी बात, तुम्हारा घर हो गया है पुराने झोपड़ी के बाद से एक बड़ा घर आ गया है तुम्हारे, जाओ और अपने घर जाके देखो। तो वो देखा जाया घर में तो देखा कि एक बड़ा और सुंदर सा घर उसे था आता एक झोपड़ी के बजाय, और वो गया अंदर गया और अपनी पत्नी से पूछा कि अब तो तुम खुश हो ना? कुछ दिनों बाद फिर गजरी बोलती है रामू को कि ये घर मुझे बहुत छोटा लग रहा है, मुझे महल चाहिए, मुझे रानी बनना है। तो रामू बोलता है, रामू समझाने का कोशिश करता है उसे फिर कि इतना लालच ठीक नहीं है, मगर वो गजरी नहीं समझती और बोलती है गुस्से से कि अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो फिर रामू जाता है और बोलता है जादुई मछली को, ओ जादुई मछली, तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? तो जादुई मछली आती है और बोलती है, क्या हुआ मेरे दोस्त? तो रामू बोलता है कि मेरी बीबी को एक महल चाहिए, उसे रानी बनना है। तो मछली बोलती है कि बस इतनी सी बात, जाओ तुम्हें एक महल मिल जाएगा। तो वो गया तो देखा एक बड़ा महल है, उसमें बहुत सारे चौकीदार हैं। तो वो गया जब गेट के अंदर तो चौकीदार रोक दिए उसे। तो रानी वो गजरी आई और बोली कि इसे आने दो, इसे आने दो। रामू अंदर गया, देखा कि बहुत सारे नौकर अपने अपने काम कर रहे हैं और दो नौकरानी गजरी का सेवा कर रही है। गजरी बिल्कुल रानी के तरह सज धज के अपने सिंहासन में बैठी है और उसके सर में क्राउन भी है। तो रानी वो गजरी बोली कि तुम आओ। तो आया रामू उसके पास, तो रानी बोली नहीं। फिर रामू बोला कि अब तो तुम खुश हो? तो गजरी बोली, हाँ अब तो मैं खुश हूँ, तुम खुश नहीं हो क्या? अब तुम एक राजा हो और तुम्हें मछली पकड़ने का जरूरत नहीं होगा। तो रामू बोला कि मैं एक मछुआरा हूँ, मैं मछली पकड़ूंगा, मैं उसी में खुश हूँ, मुझे एक राजा नहीं मानना। तो फिर वो गजरी चली जाती अपने रूम में। गजरी अपने रूम में बैठ के सोच रही थी कि अब उस मछली से मैं क्या मांगू क्या मांगू। वो बहुत थकी हुई थी इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ गया। तब वो उसे जब आंखें खुली तो देखी कि सुबह हो गया, उसे लगा कि बहुत जल्दी सुबह हो गया। और वो बोली कि ये सुबह क्यों हो गया, उसे मेरे से पूछ के आना चाहिए था, सब चांद सूरज को मेरे से पूछ के आना चाहिए था और जाना चाहिए था। और वो बोली तो अपने वो बोली रामू को कि एक लास्ट चीज बोल दो, तो वो मछली को एक लास्ट चीज मांग रही हूँ मैं कि मुझे सर्वशक्तिमान बनना है। तो रामू बोला ठीक है, मगर ये लास्ट चीज है। तो वो गया और मछली को अपने
पुकारा, ओ मछली, ओ दादुई मछली, तुम मेरा आवाज सुन सकती हो क्या? तो दादुई मछली आई और बोली, हाँ क्या हुआ? तो रामू बोला कि ये आखिरी चीज है जो मेरी पत्नी को चाहिए, कि वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। तो वो मछली बोली, ठीक है बस इतनी सी बात, जाओ तुम्हारी बीवी सर्वशक्तिमान बन गई है। वो अपने घर जाते हैं तो देखते हैं उधर कोई नहीं है, कोई वो सिपाही नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, और वो चारों तरफ कजरी को ढूंढता है, कजरी नहीं है। तो वो देखता, रामू घबरा जाता है और फिर वो तालाब के पास जाता है और मछली को बोलता है कि मछली मेरी बीवी कहाँ चली गई? तो मछली बोलता है, तुमने तो कहा था कि उसे सिर्फ शक्तिमान बनना है, तो जो सिर्फ शक्तिमान होता है वो दिखते नहीं है। तो रामू बोला कि नहीं, मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है, खाली एक चीज मांग रहा हूँ मैं तुमसे। तो बोली मछली बोली, अब ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारा लास्ट चीज हो चुका है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे के लिए। तो वो रामू बोला कि मैं वो जो मैं तुमसे मांगा था वो तुम्हारी मेरी बीवी के लिए थी, मगर आज मैं अपने के लिए मांग रहा हूँ। तो मछली बोली, ठीक है बताओ क्या करना है? तो रामू बोला कि मेरी बीवी को वापस ला दो और वो मेरे साथ खुश रहे हमेशा, और कभी भी उसका पाप निकल जाए। तो वो मछली बोली, ठीक है जाओ, ये चीज हो गया। तो रामू अपने घर गए और देखा फिर से वही झोपड़ी वापस आ गई और कजरी गेट पे खड़ा होकर इंतजार कर रही है उसका। जैसे ही वो घर पहुंचा, कजरी रामू से गला मिली और रोने लगी और बोली कि मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुम्हें बहुत सताई, अब से मैं कभी भी तुम्हें नहीं सताऊंगी, कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, अब से जितना है मेरे पास उतना मैं खुश रहूंगी। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है, हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए और हमें जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी लालच नहीं करेंगे और जितना उसमें खुश रहेंगे और अपने मम्मी पापा से जितने करेंगे। ओके, तो कैसा लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ओके बाय।